हमारे संस्थान के कर्मठ साथी हमारे श्री धनंजय साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर चंद मिनटों में आप अपनी बात रखने की कृपा करें। श्री धनंजय साहब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत देर से आप लोग बहुत से संतों के विचार सुन रहे हैं, लगता है सब सुस्त पड़ गए हैं। एक बार पुनः जोर से जयकारा लगाएं और सब लोग मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं एवं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष चल रहे हमारे 42वें वार्षिक अधिवेशन कबीर सत्संग समारोह में आप सब पधारे, इसके लिए सर्वप्रथम आश्रम परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत आभार और साधुवाद। विगत 2 दिनों से आप सब अनेक संत गुरुजनों के विचार, साध्वी बहनों के विचार, विद्वानों के विचार, बहुत कुछ आपने सुन लिया है। इसी श्रृंखला में बहुत थोड़ी सी बात प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ या बोलने वाला हूँ सब कुछ आप लोग जानते हैं, पर थोड़ी सी बात रिमेम्बरिंग के लिए, थोड़ी सी बात पुनः याद करने के लिए कुछ बात प्रस्तुत है। हम सब जिस धरती तल पर जीवन जी रहे हैं, जहां हम सब रहते हैं, जिस देश में हम सब, जिस देश की आबोहवा में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, वह देश है भारतवर्ष। और हमारे देश का यह एक क्लाइमेट ही ऐसा है, एक वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ इस देश को, हमारे ही देश में नहीं विदेशों में भी धर्म गुरु कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिलीजियस के विषय में, रिलीजन के विषय में, धर्म के विषय में सबसे ज़्यादा गहन चिंतन, सबसे ज़्यादा विचार धर्म के विषय में हमारे ही देश में होता है। और हम सब इस देश के नागरिक हैं, यह हम सब के लिए बड़े ही गर्व की बात है। साथ ही साथ दुख की बात यह भी है कि हम सब इस इतने अच्छे देश में रहते हुए भी हम सब के मन में कुछ पीड़ा होती है, कुछ टीस पैदा होती है,
हम सब भी दुख का अनुभव करते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी अपने प्रवचनों के बीच एक शेर का उदाहरण दिया करते थे, एक शायरी कहा करते थे, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम फिर भी आदमी भटकता है। इस भारतवर्ष में अनेक बुद्ध, अनेक महावीर, अनेक कबीर और अनेक सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जैसे लोग पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, पर इसके बावजूद आदमी भटकता है, यह दुख की बात है। संत गुरुजन अपनी बात हम सबको बताते हैं, समझाते हैं, चेताते हैं, किंतु हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है। संत गुरुजन हमें अपने विचारों को बदलने का तरीका बताते हैं, अपने मन को बदलने का तरीका बताते हैं, और हम सब इससे ही विमुख रहते हैं। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही फेसबुक में जापान के एक भाई से बात कर रहा था, तो बातचीत के सिलसिले में मैंने एक बात पूछा उनसे कि आपकी कंट्री में इतना डेवलप कैसे और हमारी कंट्री में उतना ज़्यादा आधुनिकता के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सर, आपके क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में कुछ डिफरेंट है। वो डिफरेंट ये है कि हमारे विज़न क्लियर हैं, हमारे विज़न में क्लियरिटी है, आपके विज़न में क्लियरिटी नहीं है। मुझे कुछ अचंभा जैसा लगा, समझ नहीं आया। मैंने फिर से कहा कि आप इसको डिटेल में मुझे समझाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि हम जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। जैसे अगर उनका मन है कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो जो बचपन से उनकी जो पढ़ाई होगी ना, वो उसी के हिसाब से होगी, हर चीज़ उनका उसके हिसाब से होगा। और हमारे देश में शर्म आती है कुछ बातें कहने के लिए कि हम जिस धर्म के क्षेत्र में जन्म लेकर के धर्म के क्षेत्र में ही पैदा हुए हैं और इसी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम इसे ही नहीं समझ पाए। धर्म क्या है? धर्म है हमारा स्वभाव। धार्यति इति धर्मः कहा गया है कि जिसे हम धारण करते हैं वह धर्म है। धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीज है। इस चीज को हम आज तक नहीं समझ पाए। हम तो यह समझते हैं कि धर्म हिंदू है, धर्म मुस्लिम है, धर्म सिख है, धर्म ईसाई है, किंतु वास्तव में धर्म यह है कि हम सब इंसान हैं। हमारे अंदर जो इंसानियत है, यही धर्म है। और इंसानियत को हम नहीं समझ पाते। यदि हम इंसानियत को समझ जाएं, तो हमारे विज़न क्लियर हो सकते हैं। हमारा जो गोल है, हमारा जो अचीवमेंट है, हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ में हम सफल होना चाहते हैं, वो हमारे सामने हो। अभी हम सब हमारे संतों से विचार सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जो बनना चाहते हैं उसे एक बोर्ड में लिख करके रख लीजिए। क्या कहा उन्होंने? कि एक बोर्ड में लिख करके रख लीजिए, ताकि आप जब भी उस पर निगाह पड़े तो वो बात आपको याद आ जाए। हम बनना क्या चाहते हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं है। किसी आप
नवयुवक के पास जाकर पूछ लीजिए कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। किसी से भी आज तक मैंने नहीं सुना कि वो यह कहे कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। हमने बचपन से क्या सिखाया अपने बच्चों को? बेटा तुम बड़े होकर पुलिस बनना, बेटा तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, मिनिस्टर बनना, प्रधानमंत्री बनना, यह भी बताएंगे। लेकिन कभी आप अपने बच्चे से यह कहते हैं कि बेटा तुम बड़े होकर अच्छा इंसान बनना? कभी नहीं कहते। जब हम वो बीज डालते ही नहीं, वो चीज़ हमारे मन में है ही नहीं, तो हम कैसे बनेंगे वो? आप चाहते हैं कि मैं अपने घर से इलाहाबाद कबीर आश्रम आऊं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? अगर पहले से प्रोग्राम है तो आप रिजर्वेशन करा के रखते हैं ताकि मुझे असुविधा ना हो। पहले से संतों से बात करके रखते हैं कि साहब जी हम आने वाले हैं, हमारे लिए जगह बुक करके रखना। हर चीज़ आपका वहाँ पर क्लियर हो जाता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के क्षेत्र में देखिए, आप अपनी ज़िंदगी के तरफ एक बार ध्यान देकर देखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आपके मन में क्लियर है। यदि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेरा बस इतना छोटा सा ही सवाल है, यदि आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई काम कर रहे हैं? कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हम सबको भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लेते हैं। ठंडी गर्मी लगती है तो उससे बचने के लिए हम पैसे दे करके अनेक आजकल अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए हैं, हम उनका जुगाड़ कर लेते हैं। हमें रहने के लिए मकान चाहिए, उसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मुझे अच्छा मकान मिल जाए। लेकिन क्या कभी आपने मेरा मन हमेशा खुश रहे, मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, मैं हमेशा मुस्कुराते रहूं, इसके लिए क्या कभी आपने कोई प्रश्न किया है अपने लिए? क्या अभी कभी आपने इसके विषय में सोचा है? कभी भी नहीं सोचा हमने। जब हम इसके बारे में सोचे ही नहीं तो हमारा मन प्रसन्न कैसे रहेगा? कभी हम इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिए, चिंतन ही नहीं किए, कभी इसके विषय में सोचे ही नहीं तो कैसे? आजकल अनेक ऐसे साधन हैं, अनेक ऐसी पढ़ाइयां हैं कि लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी आपको अब सिखाया और पढ़ाया जाता है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भगवान, भगवती, देवी देवता, भूत प्रेत जाड़ ये सब में जो फंसे हैं ना, वहाँ से हटिए और अपने जीवन के लिए काम करना शुरू करिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई का मतलब अपने जीवन की पढ़ाई। पुस्तक की पढ़ाई कुछ नहीं है साहब। पुस्तक जो आप बचपन से KG1 नर्सरी से जो लेकर के अनेक डिग्रियां प्राप्त करते हैं ना, वो सिर्फ आपको पैसा कमाने का तरीका सिखा सकता है, आपको जिंदगी संवारने का तरीका नहीं सिखा सकता। और मैं चाहता हूं कि आप सब भले पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका जरूर सीख लें। अनेक लोग जब मैं मिलता हूं तो मुझसे पूछते हैं कि साहब आप कितना पढ़े हैं। सच बताऊं, मैं सिर्फ 9वीं क्लास तक पढ़ाऊं, वो भी हिंदी मीडियम से, सिर्फ 9वीं क्लास तक। और उसके बाद सन 2006 में सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी के शरण में आ गया उनके साथ ही, और तब से इसी आश्रम में हमेशा यहीं रहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब अपने जीवन के क्षेत्र में देखें, हर क्षण अपने मन को देखें, अपने स्वभाव को देखें। हम सब चाहते हैं ना कि हम एक अच्छा जीवन जिए। यदि हम चाहते हैं कि अच्छा जीवन जिए तो सिर्फ एक काम करना सीख जाएं, होश पूर्वक जीवन जीना सीख जाएं। यदि आप हमेशा होश पूर्वक जीवन जिएंगे तो आपसे कभी कोई गलती हो नहीं सकती। होश पूर्वक जीवन जीने का मतलब क्या है?
आप यदि सोच रहे हैं तो वहाँ भी सोचिए कि ये अच्छा है या बुरा, ये सही है या गलत। आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो सोचिए, देखिए कि मेरा एक कदम बढ़ाना सही है या गलत है। सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके लिए और आपके समाज के लिए, आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के लिए भी देखिए। जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे यह सोचना आवश्यक है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए और आपके लिए सही है या नहीं। अगर ऐसी कोई बात है जो मेरे लिए गलत है या आपके लिए गलत है तो वो कभी अच्छा हो नहीं सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने जीवन को सुधारने का काम करें, और जीवन का सुधार तभी संभव है जब हम अपने स्वभाव को सुधारेंगे, अपने विचारों को सुधारेंगे और अपने मन को सुधार लेंगे। जब हम अपना मन सुधार लेंगे, अपना जीवन सुधार लेंगे, फिर हम जो खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं, जिसके प्रयास में हम सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, वो भटकना बंद हो जाएगा और हम उस सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।